भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वार्म अप मैच खेल रहा था और रिकी पोंटिंग कमेंट्री बॉक्स में बैठकर विराट की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के सफलतम कप्तान ने विराट कोहली को क्रिकेट इतिहास का सर्वश्रेष्ठ व्हाइट बॉल बल्लेबाज बताया है। ऑस्ट्रेलियाई सरजमी पर कोहली का रिकॉर्ड ही इतना विराट है कि कोई भी उसके आगे नहीं ठहरता। यही वजह है कि अगर इस बार भारत को वर्ल्ड कप जीतना है तो विराट के तूफानी प्रदर्शन के बगैर यह मुमकिन नहीं होगा। T20 वर्ल्ड कप इतिहास में दो बार साल 2014 और 2016 में मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाला विराट इकलौता खिलाड़ी है। विराट ने ऑस्ट्रेलिया में 11 T20 मुकाबले खेले हैं और भारत की तरफ से सबसे ज्यादा 451 रन बनाए हैं। 64.42 की बेहतरीन औसत और 145 की स्ट्राइक रेट से ये रन आए हैं। जिस मेलबर्न में भारत पाकिस्तान के खिलाफ अपने वर्ल्ड कप अभियान की शुरुआत करेगा, वहां विराट ने 3 T20 मुकाबलों में 90 रन बनाए हैं। एक तूफानी अर्धशतक ठोक कर टीम इंडिया को मैच जिताए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ हर बार विराट का बल्ला जमकर बोलता है और इस बार भी उनसे वही उम्मीद है। भारत विश्व कप का अपना दूसरा मुकाबला क्वालिफायर 1 की विजेता टीम से जिस सिडनी में खेलेगा, वहां 4 T20 मुकाबले खेलकर विराट ने 3 अर्धशतक लगाया है। 76.66 की औसत से शानदार 236 रन बनाया है। इस मैदान पर खेले गए 4 T20 मुकाबलों में से 3 में हिंदुस्तान को जीत दिलाया है। ऐसे में सिडनी में भी विराट से दमदार पारी की आस है। अपने विश्व कप अभियान का तीसरा मुकाबला भारत पर्थ में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलेगा। यहां पूरे ऑस्ट्रेलिया की तुलना में विकेट पर सबसे ज्यादा उछाल होती है। ऐसे में जो बल्लेबाज कट और पुल ठीक से खेल पाते हैं, वे यहां सफल हो जाते हैं। भारत ने पर्थ में अब तक कोई T20 इंटरनेशनल मुकाबला तो नहीं खेला, लेकिन किंग ने यहां 5 वनडे में 60.50 की औसत से 242 रन बनाए हैं। इस दौरान उसके बल्ले से 2 अर्धशतक आए हैं। यकीन है कि अफ्रीकी पेस अटैक की धज्जियां उड़ाएगा। विराट भारत को यह मुकाबला भी निश्चित जिताएगा। सुपर 12 का चौथा मुकाबला भारत 2 नवंबर को एडिलेड में बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगा। यहां अब तक हिंदुस्तान ने केवल 1 T20 मुकाबला खेला है, जिसमें किंग कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ताबड़तोड़ 90 रन बनाया था। भारत को 37 रन से मुकाबला जिताया था। तय मानो कि इस बार बांग्लादेश को भी नहीं छोड़ेगा, उसके तमाम गेंदबाजों को मारकर तोड़ेगा। भारत लीग स्टेज का अपना आखिरी मुकाबला क्वालिफायर ग्रुप 2 की विजेता टीम से मेलबर्न में खेलेगा। हम ने ऊपर बता ही दिया है कि वहां विराट सबसे सफल बल्लेबाज है। उसने गिराई तमाम गेंदबाजों पर गाज है। वैसे अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहां 29 वनडे मुकाबले खेलकर किंग ने 51.03 की औसत से 1327 रन बनाए हैं। इस दौरान 6 अर्धशतक और 5 शतक लगाए हैं। 13 टेस्ट मैचों में किंग के बल्ले से 1352 रन आए हैं। ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट क्रिकेट में 54.08 की दमदार एवरेज से खेलते हुए विराट ने 4 अर्धशतक और 6 शतक लगाए हैं। आंकड़े भरोसा दिला रहे हैं, 15 साल बाद पूरा हर हिंदुस्तानी क्रिकेट फैन का सपना होगा। अब की बार विराट के शानदार प्रदर्शन के बूते T20 वर्ल्ड कप अपना होगा। दुनिया की सबसे मजबूत गेंदबाज की आक्रमण माने जाने वाली ऑस्ट्रेलिया में हर बार अपने बल्ले से पराक्रम दिखाया है, इसलिए तो विराट किंग कोहली कहलाया है।